लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में आजादी के अमृत के प्रमुख घटना दांडी मार्च का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम सब आज यहां पे आजादी के आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना काकोरी कांड के इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री श्री बृजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेव जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, लखनऊ के मंडलायुक्त जिलाधिकारी तथा अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के आजादी के दीवानों ने देश की संपूर्ण स्वाधीनता के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। सभी ने अवज्ञा के नाम पर भारत की स्वाधीनता आंदोलन के सुप्रसिद्ध इस आंदोलन का स्मरण करने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर से यह दांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक निकला था, उसी की स्मृतियों को ताजा करने के लिए एक बार फिर से इस मार्च का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ही देर में गुजरात के ऐतिहासिक दांडी नामक स्थान पर प्रारंभ होने जा रहा है। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताहों तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सके। इस दृष्टि से आज से ही यह कार्यक्रम का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। यद्यपि आज 4 स्थानों पर प्रदेश में कार्यक्रम है, जिसमें 1925 के काकोरी कांड इस प्रमुख स्थल पर मुझे स्वयं भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मैं काकोरे कांड के उन सभी अमर शहीदों को जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद लाहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, अशफाकउल्लाह खान, ऐसे वे क्रांतिकारी थे जिनके जीवन का लक्ष्य ही देश की स्वाधीनता का था और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमें क्या रणनीति बनानी है। उस समय भारत की जनता के पैसे को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने अंग्रेजों की रणनीति के खिलाफ उन्होंने काकोरी में उस सरकारी खजाने को लूटा था जो भारत की जनता से लिया जा रहा था और जिसका दुरुपयोग भारत की जनता के दमन के लिए किया जा रहा था। काकोरी कांड के नाम पर विख्यात यह घटना भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना बनी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत माता के उन महान सपूतों को, उन अमर शहीदों को यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मेरे सहयोगी मंत्रीगण मेरठ में, झांसी में और बलिया में भी अलग अलग स्थानों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं 4 फरवरी 1922 को इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा देने वाली चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना भी घटित हुई थी और चोरी चोरा की इस घटना के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4 फरवरी 2022 को प्रदेश सरकार पहले ही प्रारंभ कर चुकी है। हम लोगों ने तय किया जितनी भी आजादी के आंदोलन की प्रमुख तिथियां हैं अगले एक वर्ष के दौरान उस हर घटना में, हर शहीद स्मारक पर, राज्य सरकार के स्तर पर स्थानीय प्रशासन और जन सहभागिता के साथ देश की आजादी के ज्ञात और अज्ञात उन सभी शहीदों को स्मरण करने के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहां पर पुलिस धुन से अपने शहीदों को सम्मान देंगे और वहां पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रपेक्ष से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे जो देश की वर्तमान पीढ़ी को देश के स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण पुनः पुनः कराते हुए उन्हें वर्तमान चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा प्रदान कर सके। आज 4 स्थानों पर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम है, लेकिन देश के अंदर 75 ऐसे स्थानों पर एक कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं जहां पर आजादी के बंदों के प्रति नमन करने के लिए हजारों की संख्या में नागरिकगण उपस्थित होकर के देश की स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण करते हुए भारत माता के उन महान सपूतों को, देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए अमर शहीदों को न केवल स्मरण कर रहा है बल्कि अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन भी कर रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन और उस आंदोलन से जिस बेरहमी के साथ उस समय की सरकार निपट रही थी, यह आज के प्रपेक्ष में जनता को और खासतौर पर युवा पीढ़ी का इन सभी बातों को स्मरण रखना होगा। यह आजादी अचानक नहीं मिली, आजादी के लिए अनगिनत संघर्ष हुए, आजादी के लिए उस समय की युवा पीढ़ी ने अपना बलिदान दिया, बुजुर्गों ने मार्गदर्शन किया, माताओं और बहनों ने उस आंदोलन के साथ जुड़ करके इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। हमें आजादी की कीमत को हर हाल में
स्मरण करते हुए अपने देश की स्वाधीनता को चूर्ण बनाए रखना होगा। याद करिए 2022 देश की आजादी के अमृत महोत्सव का है और हमें स्मरण करना होगा आगामी 25 वर्षों की उस कार्य योजना को लेकर के चलना होगा कि जब देश 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, इन 100 वर्षों के दौरान हमने क्या पाया है और क्या खोया है इसका स्मरण करते हुए हम भारत की आजादी को चूर्ण बनाए रखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी के उन भावों के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए हर नागरिक अगर अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, कोई कारण नहीं कि 2047 में जब ये देश आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा तो उस समय हम भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में स्थापित करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए पूरा देश अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराने में सफल होगा। और ये तभी संभव होगा जब हर एक नागरिक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना प्रारंभ करेगा। आजादी के ये 75 वर्ष हम सबको अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको ऐतिहासिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले ऐतिहासिक दांडी मार्च के इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ करके अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन देशवासियों को प्राप्त होगा और इसके साथ ही अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश की आजादी के साथ जुड़े हुए हर एक स्मारक पर, हर एक शहीद स्थल पर और देश की आजादी के बाद भी विभिन्न युद्धों में शहीद हुए जितने भी हमारे भारत माता के जवान हैं, भारत माता के सपूत हैं, हमारी सेना और अर्धसेना और पुलिस बल के जवान हैं, इन सब की स्मृति में भी बने हुए जितने भी स्मारक हैं, शहीद स्थल हैं, इन सब पर भी पूरे 75 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में कोई ना कोई आयोजन उनके साथ होते हुए दिखाई देंगे। इस व्यवस्था के साथ एक बार फिर से मैं आज के इस ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक दांडी मार्च के शुभारंभ और अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह तक चलने वाले पूरे कार्यक्रम के प्रति प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आजादी के आंदोलन में ज्ञात और अज्ञात भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनका त्याग और बलिदान हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर ले जाते हुए भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में हम सब नए सिरे से कार्य कर पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।